दिदे शुभलोम, आप सभी का स्वागत है। तो अभी भाई एक नंबर घास यानी रोदस, एक नंबर रोदस घास कट रहा है और शाम के 4 बज रहे हैं। तो अभी आप लोग को दिखाता हूँ कि एक नंबर घास होता कैसा है और आप लोग को अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितना बड़ा बड़ा घास होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, ये है रोदस भाई, ये जो दिख रहा है ना, ये एक नंबर घास है भाई। इसी को रोदस बोलते हैं, जो ऊँट लोग खाता है, ज़्यादातर ऊँट लोग खाता है ये। और इसका हाइट आप लोग को अगर दिखाऊं तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओ कि ये कितना बड़ा बड़ा है। ठीक है, ये इतना बड़ा बड़ा होता है और इसी का कटिंग हो रही है, आप लोग देख सकते हैं पूरे तरीके से। ये अभी दो टायर बाहर से कट चुका है और ये बाकी अभी कट रहा है, और अंदर आप लोग देख सकते हैं एक नंबर घास है भाई। इसमें ना कोई इसके अलावा दूसरा कोई घास भी नहीं है, कांटा भी नहीं है, बिल्कुल साफ ही है। और ये जब इतना साफ ही मतलब घास होता है ना, तो बेचने में भी दिक्कत नहीं होता है। ऊपर से ना ये खेती मतलब अभी छोटा रहता है तभी बिक जाता है, जिसमें ना मतलब दूसरा दूसरा घास मिक्स होता है, जैसे वो दूब घास दिखाया था और फिर कांटा उटा वगैरह होता है, उसमें थोड़ा बेचने में भी दिक्कत होता है। और ये जो साफी घास होता है ना, ये बहुत आसानी से बिक जाता है और अच्छा रेट में बिकता है। तभी आप लोग को देख रहे हो, ये देखो, ये पूरे तरीके से कट चुका है। ये देख रहे हो, ये देखो, मशीन पूरा काट के ना ऐसे खत बना देती है भाई। ठीक है, तो अभी मशीन भी है उधर साइड, वो देखो वो सामने चल रही है, बहुत दूर है भाई साहब, मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो देखो वो चल रही है। ठीक है, तो अभी इधर ही आएगी वो घूम के ऐसे, तो जब घूम के आता है ना तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरीके से ये कट रहा है। और गर्मी इतना है भाई, अभी देखो पूरा पसीने से भीग रहा है भाई साहब। सिर्फ आप लोग को वीडियो बनाने और दिखाने के लिए मैं इधर आया और गर्मी से मैं पूरे तरीके से भीग गया है। खैर कोई नहीं, फिर भी आप लोग को ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देखो, ये घंटा पहले कटा है ना, पूरे तरीके से सूख गया है। अभी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना धूप और गर्मी है। और ये देखो अभी कटा है तो देखो किस तरीके से हरा है, और ये एक घंटा पहले कटा ना तो ये देखो कैसे सूख गया है। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गर्मी है इधर, अभी भी बहुत गर्मी है। बाकी मशीन आता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काट रहा है। और इसको थोड़ा सा ना ऊपर से काटना पड़ता है, वो दूब घास थोड़ा नीचे से काटना पड़ता है और ये थोड़ा ऊपर से काटना पड़ता है। अभी आप लोग देख रहे हो 4 इंची ऊपर से कट रहा है, ताकि ये मरेगा नहीं, फिर इसमें पानी चलेगा ना तो फिर हो जाएगा। ये महीना महीना यानी 20-25 दिन में ये भी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और अभी रेट बहुत अच्छा है, तो मशीन आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो मशीन सामने आ रही है। तो अभी ये मशीन आप लोग देख सकते हैं, ये मशीन आ रही है जो घास कटिंग हो रही है, और आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा मशीन है। और जी मतलब एक रोड मतलब रोड होता है ना 10 फीट, उतना पकड़ रहा है पूरे तरीके से, ये 10 फीट एरिया पकड़ता है। और ये हमारा मुदीर का लड़का है, मुदीर का लड़का नहीं, ये मुदीर का ड्राइवर है, वो चला रहे हैं भाई साहब। और ये चला रहे हैं, इसी तरीके से कटता है भाई, वो घास देख रहे हो, ये ना ऐसा मशीन है, ये यहीं पे आता है, यहीं पे घूम जाता है, ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये ट्रैक्टर की तरह ना पीछे देखो, उसका आगे बड़ा बड़ा टायर है, वो पीछे साइड से चलता है, ये मतलब ट्रैक्टर का छोटा वाला चक्का होता है ना, आगे से चलता है, ये पीछे से चलता है और ये पास ही में घूम जाता है। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, इसका देखो दोनों साइड से ढक्कन उल्टा हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें इसका दोनों साइड का ना वो बर्नट वो जो बोलते हैं ना वो उल्टा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत है, इंजन गर्म हो रहा है भाई साहब, और लोड भी ज़्यादा पड़ता होगा ना, तो इसीलिए इसका ढक्कन खोल के चला रहे हैं। तो भाई मजरों में इसी तरह का घास कटिंग होता है और इसी तरीके से काम होता है, और मेरे को जितना होता है मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।